नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा ना भारतीय स्टडी सर्किट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, गत कक्षाओं में हमने रुचि का भाग जो एक है, कक्षा छः की जो पाठ्य पुस्तक है, उसमें हम 11 पाठ पढ़ लिए थे। आज हम जो पाठ 12 है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दशम त्वयम् असि, यानी कि देव जो सब हैं वो कितने हैं, 10 जो हैं वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। एकदा दश बालकः स्नानाय नदीम अगच्छन, यानी कि ये कह रहे हैं कि एक बार जो है वो 10 बालक जो है वो स्नान के लिए नदी की ओर चले गए, नदी पर आ गए। ठीक है, उसके बाद ते नदी चले चिरम स्नानम अकुर्वत, और वो जो है वो नदी के जल में वो है बीच में जा करके और स्नान जो है वो करने लगे। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे देखिए। ततः ते तीर्वा पारं गत्वा, और वो सब जो है वो तीव्र गति से जो है उसमें चले गए, पार करने के लिए उसमें चले गए। तदा तेषा नायक अप्रच्छतः अपि सर्वे बालका नदीम उत्तीर्णा, और सभी जो है वो बालक जो है नदी में नहा करके और वहां पर जो है वो मतलब वापस से उस तीव्र जो बहाव को जो है नदी को जो है तीर को जो है वो पार करके और वापस से नदी में नहा करके उत्तीर्ण होकर के यहाँ पर आ गए। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ पर हमारा ये जो 10 बालक हैं उसके बारे में, ये जो नदी पे नहाने के लिए चले गए हैं उसके बारे में हमें बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। देखिए तदा कश्चित बालकः अगणित एक द्यो त्रिय चत्वारः पंच षट सप्त अष्टो नव की, यानी कि वो जो इनका जो वो था, जो इनका जो हेड था यानी कि इनका जो संचालक था, वो क्या कर रहा है कि वो जो है सभी बालकों को गिन रहा है। ठीक है, एक दो तीन त्रय चतवार पंच षट सप्त अष्टो नव थी। ठीक है, इन सभी को जो है वो गिन रहा है। सह स्वयं न अग्र, और उसने क्या किया है दोस्तों कि स्वयं को नहीं गिना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है वो बालकों का जो वो है क्या बोलते हैं जो हेड है, यानी कि उनके समूह का जो हेड है वो क्या कर रहा है, वो उन्होंने उसमें सभी बालकों को नदी में नहाने के पश्चात सभी को गिना, लेकिन उसने क्या किया स्वयं को नहीं गिना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अतः स अवगत तथा वो बोलता है, तथा वो बोलता है नव एव संति, वो क्या कहता है कि नौ ही तो सभी क्या है, नौ बालक ही हैं। ठीक है दोस्तों, वो यानी कि गिन करके उनको नौ बताता है। ठीक है, दशम न अस्ति, और 10 नहीं है, क्या है 10 नहीं है। अपरम अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान, और फिर वापस से सभी बालकों को द्वारा से वो क्या करता है, द्वारा से गिन रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सभी बालकों को जो उनका वो जो हेड है जो सभी बालकों को लेके गया है वो उनको वापस से गिन रहा है। ठीक है दोस्तों, तदा अपि नव एव आसन, फिर भी क्या करते हैं वो उनको बार बार गिन रहा है, फिर भी वो कितने ही कितने रहते हैं, नौ के नौ ही रहते हैं। अतः ते निश्चयम् अकुर्वम् इतः दशम नद्या मग्ना, यानी कि वो यह कह रहा है कि इस नदी में जो है वो 10 बालक जो है वो गए थे, लेकिन एक बालक जो है वो नदी में मग्ना यानी कि डूब गया है। ते दुखिता तूष्णीम अतिष्ठिता, और वो ऐसे दुख को काय सुजो वो जान करके और बहुत ही क्या हो रहा है, दुखी हो रहा है। ठीक है, जो बालकों का जो हेड है जो सभी बालकों को लेकर के वहां गया है, तो वो क्या कर रहा है, जो नायक जो है उनका वो
सभी बालकों को नदी पर लेकर जाता है, फिर उसके बाद में सभी जो बालक हैं वो नदी में से नहा करके और सभी जो है वो तीर्ण होकर के आ जाते हैं। तब उन सभी बालकों को वो जो है नायक जो है गिनता है, लेकिन वो बार बार गिनने पर क्या कर रहा है, उसको 9 ही बालक आ रहे हैं। तब तो वो ये सोचता है कि जो 10वां बालक जो है वो नदी में डूब गया है, ऐसा जान करके वो मन ही मन बहुत दुख करता है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे अपन देखते हैं। इसके आगे देखिए, तदा कश्चित् पथिकः तत्र अगच्छत्, यानी कि वहां पर जो है कहीं से जो है एक पथिक यानी रास्ते में चलने वाला जो एक आदमी आया, पथ पर चल रहा था, यानी कि एक आदमी वहां पर के आ गया। तदा तान बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा, यानी कि उसने सभी बालकों को जब दुखित देखा तो अप्रच्छत वो सभी बालकों की तरफ देख रहा है और उनसे क्या है पूछता है, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्, यानी कि तुम सभी के दुखों का कारण क्या है। बालकानां नायक अकथ्यत, बालकों का नायक जो है वो क्या बोलता है कि वयं 10 बालका इष्णा तुम आगतः इदानीं नव एव स इष्म एक नद्या मग्नम इति, यानी कि हम जो है वो 10 बालक जो है नदी में नहाने के लिए आए थे, लेकिन अभी जो है वो 9 ही है, यहाँ पर 9 तो हम हैं, लेकिन एक बालक जो है वो नदी में क्या है सो जो डूब गया है। मग्न का मतलब होता है डूबना, नदी में क्या है सो जो वो डूब गया है। तब पथिक क्या कहता है सुनिए, पथिक तान अगण्य तत्र 10 बालका एव आसन। पथिक ने कहा है कि तुम जो है वो गिनो 10 ही बालक है, ठीक है। स नायक आदिशत बालकान गण्यम, और नायक जो है वो खुद को छोड़ करके और सभी बालकों को जो है गिन रहा था। स तू नव बालकान एव, और वो नायक जो है वो क्या कर रहा था, 9 बालकों को ही गिन रहा था। तथा पथिक अवदत् दशमः त्वयम् असि इति, तो पथिक ने कहा कि तुम 9 बालक नहीं हो, तुम अपने आप को भी गिनो, 10 ही बालक हो तुम, तुम्हारे साथ में जो है तुम्हारे अलावा 9 बालक हैं, और तुम्हें उसमें अगर जोड़ दिया जाए तो तुम जो है वो कितने बालक हो, 10 ही बालक हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में ततः सुत्वा पृत्वा भूत्वा भूत्वा सर्वे गृहम अगच्छन, यानी कि ऐसा सुन करके वह सभी बहुत खुश हो जाते हैं और अपने ग्रह को जो है वो चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस कहानी में हमारे ये बताया गया है कि सभी 10 बालक जो है वो नदी पे नहाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उनका जो नायक है वो सभी नहा करके फिर वापस अपने किनारे को ऐसे जो आ जाते हैं, लेकिन उनका जो नायक है वो क्या करता है, वो सभी को बार बार गिनता है और बार बार गिनने पर उसे 9 बालक दिखाई पड़ते हैं। तभी वो क्या होता है, दुखी हो जाता है। तब एक जो है वो रास्ते में चलने वाला पथिक वहां पर आता है और वो पथिक उनको कहता है कि आप दुखी क्यों हो रहे हो। तब तो नायक जो है वो कहता है कि हम 10 बालक नदी में नहाने के लिए आए थे, एक नदी में डूब गया है, ऐसा कहा है नायक जो है पथिक से कहता है। लेकिन पथिक ने कहा कि 9 बालक तो ये है, एक आप अपने आप को भी गिन लीजिए तो 10 के 10 हो जाएंगे। तथा वो अपने आप को गिन करके और अति प्रसन्न हो करके और वो जो है नायक जो है और सभी जो बालक जो है वो अपने घर के लिए चले जाते हैं और अति प्रसन्नता से घर के लिए दौड़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो दशम त्वयमसि जो पाठ जो था, द्वादश जो पाठ था, ये हमारा यहाँ पर संपूर्ण होता है। अगली कक्षाओं में हम इसके जो आगे वाले पाठ हैं उनके बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।